फिर हैश मैप, हैश मैप के अंदर क्या मेथड देखे हमने, पुट गेट, पुट का इनपुट टाइप क्या था ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, गेट का क्या था सर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट, और उसमें डालते क्या थे ऑब्जेक्ट, मतलब की भी ऑब्जेक्ट और वैल्यू भी ऑब्जेक्ट, इसमें दो एलिमेंट चाहिए थे और इसमें एक एलिमेंट। इज दैट क्लियर नाउ, समझ में आया? ये था हैश मैप। इसको इटरेट कैसे करते थे, हाउ टू इटरेट, वी आर जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग टिल नाउ व्हाट वी सॉ। हैश मैप फर्स्ट स्टेप, की सेट मेथड वी यूज्ड टू यूज, की सेट से क्या मिलता था सेट, यस, देन वी यूज्ड टू इटरेट इट, समझे, हम इटरेट करते थे। हाँ कर सकते, सॉरी सर, देन यहां पर हम गेट मेथड यूज करते थे, उस यूज गेट मेथड, और गेट मेथड में एक की डालते थे और हमें क्या आता था, समझ गया अभी। अब मैं प्रॉपरली फ्रेशली चालू कर रहा हूं बाकी के टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अंडर लिस्ट, देयर वर थ्री एलिमेंट्स, लिस्ट के अंदर कितने थे तीन, एक तो अरे लिस्ट था, देन लिंक लिस्ट, देन वेक्टर, सही है। अभी वेक्टर के बारे में बताना चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है। वेक्टर ऑल मेथड्स ऑफ वेक्टर, ऑल मेथड्स ऑफ वेक्टर, ऑल मेथड्स ऑफ वेक्टर आर सिंक्रोनाइज, ऑल मेथड्स ऑफ वेक्टर्स आर सिंक्रोनाइज, आर सिंक्रोनाइज, देन इट इज स्लोअर देन अरे लिस्ट, स्लोअर देन अरे लिस्ट, इट इज स्लोअर देन अरे लिस्ट, देन थ्रेड सेफ, you know synchronize, in synchronization we'll understand that better. Then there is capacity concept in vector, but not in array list, but not in array list, there is capacity concept in vector, but not in array list, but not in array list. Then write down examples, then write down examples. Vector v equal to new vector, SOP v dot size, SOP v dot capacity, ऐसा लिखिए, आउटपुट लिखिए जीरो, यहां आउटपुट लिखिए टेन, इन दिस केस, इन दिस केस बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ वेक्टर, इन दिस केस बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ वेक्टर, दिस केस by default capacity of vector is 10 and it grows by 100% and it grows by 100% once threshold is reached, once threshold is reached, once threshold is reached, once threshold is reached. फिर ऐसा लिखे v dot add some element, v dot add some element, 11 element, ऐसा 11 element,
उसके बाद अगर आप करते हो SOP V dot size, SOP V dot capacity, यह आएगा 20 एंड दिस विल बी 11. V dot size will be 11 and capacity will be 20. Then we can change incrementing capacity which is 100%, by declaring vector like this, vector v equal to new vector 2, 3. ऐसा लिखिए, बताता हूँ मीनिंग. In this case, 2 is initial capacity. And 3 is incrementing factor. So when threshold reaches to 2 and if we try to put next element, then capacity grows by 3. We give it V dot add something, then size, kitna aayega 3 aur 6. अभी समझाना चालू करता हूं मैं वेक्टर, ठीक है? आपने पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए ये जो वेक्टर है अर्लीस्ट के जैसा ही है, ठीक है? अभी मेन पॉइंट हमने लिखा नहीं, क्योंकि पहला पॉइंट वही लेकर लिख लीजिए. वेक्टर इज अ लिगासी क्लास इंट्रोड्यूस्ड इन जीडीके 1.0. अरेलिस्ट इंप्लीमेंटेड लेटर. एक बार पढ़ लो, बहुत जल्दी से पढ़ो, फटाफट. बुक में भी वही कंटेंट है, बुक में थोड़ा ज्यादा होगा, बट कहीं से पढ़िए आप, और जो लिख के दिया वही पढ़ो, बाद में देखते हैं.
आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं उनको पॉइंट आउट करना है, ताकि आपको अभी एक्सप्लेनेशन के समय वो पूछना पड़ेगा मुझे कि यार ये नहीं समझ में आया, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। नरेंद्र लटपटे, आपका पेमेंट ठीक है। पढ़ा सबने ठीक है? तो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, वेक्टर में बहुत ज्यादा कैपेसिटी करके रखा है, कैपेसिटी ऐसा है वैसा है। कैपेसिटी देखिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए या आपके लिए ऐसा कुछ बहुत फायदा नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी से कहीं भी ऐसा नहीं है कि 10 कैपेसिटी है, 50 कैपेसिटी है तो 51 एलिमेंट ही डालेंगे ऐसा वगैरह कुछ। क्लियर? जैसा आरएल इसमें था, आप साइज नहीं देते थे कितने भी एलिमेंट डाल सकते थे, साइज देना भी है तो हम कितने डालते थे, 10 अपने आप रहता था, बाय डिफॉल्ट पढ़ाया था। वेक्टर भी बोलता है 10 ही है, बाकी आपके लिए कोई फायदा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, बट मैंने पढ़ा चुका हूं मैं कि कैपेसिटी से फायदा यह होता है कि ये जो स्पेस होती है, अगर यहां पे स्पेस बनाने के लिए 1 सेकंड लगता है और एलिमेंट डालने के लिए 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड लग गए एलिमेंट को ले, तो उसमें से 1 सेकंड बचता है अपना कौन सा जगह बनाने का, बाकी और कोई फायदा नुकसान नहीं है। ठीक है, अब लिगासी क्लास, ये वर्ड जो है लिगासी मतलब कैसा होता है कि किसी पुराने जो क्लासेस है उनको लिगासी बोलते हैं। लिगासी का डिक्शनरी मीनिंग भी क्या है कि जिनसे चलते आ रहा है काम, जिनकी वजह से पता चला कि ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सबको क्लियर है? तो जब जावा आया था 1.0 तब से अरबी वगैरह नहीं था जब पहले स्टार्टिंग, तो उन्होंने वेक्टर के प्रॉब्लम्स देखे और नेक्स्ट वर्जन में क्या निकाला, हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग इट एज अ लिगासी क्लास। देन इसकी जो सारी मेथड्स है वो सिंक्रोनाइज्ड है। हम थ्रेड चैप्टर पढ़ चुके हैं, थ्रेड के अंदर आपने देखा था कि सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एट अ टाइम ओनली वन कैन एंटर इनसाइड अ मेथड। तो अगर आप वेक्टर वी न्यू वेक्टर करते हो और v dot add करते हो, क्या करते हो v dot add, तो add method कैसी है, synchronize। बोलते समय बहुत सही सही बोलना है, कभी भी क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग, vector is synchronized, vector is not synchronized, what it is synchronized, what is synchronized, methods of vector are synchronized, and if you are calling them then also it's not like it will be slower। आपने देखा है synchronize जब हमने use किया था withdraw method को लगाया था याद है, जब दो थ्रेड जाते थे वो भी एक मेमोरी लोकेशन पे तब दिक्कत थी, दिक्कत बोलो या जो भी है तब स्लो होता था। बाकी क्या सिंक्रोनाइज से अकेले ही कॉल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? क्लैरिटी आ रही है? सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे कि वेक्टर स्लो है, लिख के जरूर लिया आपने बट उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सही है नहीं है? स्लो तो तब है ना जब एड मेथड सेम लोकेशन पे दो लोग कॉल करेंगे, सही है, बट इट इज स्लोअर ऑब्वियसली बिकॉज इट इज सिंक्रोनाइज इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट, इन मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट। ठीक है, देन व्हाट इज थ्रेड सेफ्टीनेस? पहले तो एक टर्म आप बहुत बार सुनोगे जावा में, थ्रेड सेफ है, मेरा कोड थ्रेड सेफ। तो पहले थ्रेड सेफ नहीं होना मतलब क्या होता है वो समझाओ। तो देखिए क्या होता है, बहुत से बार कोई M1 मेथड आप लिखते हो और इसको एट अ टाइम दो लोग कॉल करते हैं T1 एंड T2। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि दो लोग कैसे कॉल करते हैं, आपने देखा था थ्रेड चैप्टर में दो थ्रेड एक साथ एंट्री करते थे, दोनों को स्टार्ट कर दिया, दोनों वहां जाते थे और उसके बाद दोनों ऑपरेशन करते। तो बहुत से बार ये हो सकता है कि थ्रेड वन जाके कुछ कर दे और थ्रेड टू को कुछ और मिल जाए, हो सकता है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कि थ्रेड सेफ नहीं है, जब मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट में जाता है, जब मल्टीपल यूजर्स आते हैं तो प्रॉब्लम करता है मेरा कोड, मतलब मेरा थ्रेड मेरा कोड थ्रेड सेफ नहीं है। इसलिए हमने एक चीज की थी, थ्रेड में सिंक्रोनाइज किया था विड्रॉ मेथड, याद है सबको, हमने दो सिमुलेटर बनाए थे, दो थ्रेड बनाए थे, ATM एंड फ्लिपकार्ट समथिंग, एंड वी यूज्ड टू डिडक्ट
मनी फ्रॉम सेम अकाउंट, पहले क्या होता था बिना सिंक्रोनाइज से प्रॉब्लम होते थे, कोई भी जा रहा है कोई भी निकाल रहा है, पर सिंक्रोनाइज से क्या हो गया, वन बाय वन प्रॉपर बैलेंस डिडक्ट होने लगा, स्लो जरूर हुआ आपका कोड पर परफेक्ट हुआ था, ऐसी चीजों को बोलते थ्रेड सेव। समझ में आया आपका डाउट? अब हमेशा ये नहीं कि थ्रेड सेव ही करो, जब जरूरत ही नहीं थ्रेड सेव की तो जरूर करना चाहिए क्या? बैलेंस इज रियली सेंसिटिव इन बैंक, इन ट्रांजेक्शन क्लास वी सॉ इन थ्रेड सेशन क्लियर, तो वहीं पे करना चाहिए। तो अब आपको यह भी समझ में आएगा कि वेक्टर क्यू स्लो है, मोस्ट प्रोबेबली मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में स्लो है, लिगेसी क्यू बोलते हैं, कैपेसिटी का क्या एक्स्ट्रा फीचर करके रखा था उन्होंने पहले के जमाने में, 10 साल पहले जब वेक्टर आया था तो मेमोरी के बहुत प्रॉब्लम्स थे, आपने देखा होगा पहले हार्ड डिस्क कितनी 10 GB 20 GB, तो बहुत कम रहता था, MB वगैरह होता था, तब उन्होंने वो कंसेप्ट बनाया था कि वेक्टर में जब एलिमेंट डालेंगे तो लोगों को दिक्कत ना जाए, इसलिए थोड़ी सी रिजर्व करके रखते स्पेस। आजकल कोई जरूरत नहीं है, मेमोरी इज वेरी चीप नाउ, सो उन्होंने वो जो कंसेप्ट था कैपेसिटी वाला हटा दिया। अभी देखो आप, अभी कोई क्लासेस में नहीं आता वो सब अरेली इसमें वगैरह कहा, नए क्लासेस आ रहे उसमें भी नहीं है क्लैरिटी आ रही, क्या बोलना चाह, पहले बनाया हुआ है और हमको सीखना है उसे, होपफुली क्लियर। बट उसमें एक थोड़ी सी ट्रिक क्या थी कि अगर कैपेसिटी 10 है, आपने पढ़ा भी अभी, अगर आप 10 एलिमेंट डालते तो सही है, बट जब 11वां एलिमेंट डाल देते तो क्या कर देता, वो डबल कर देता है, मतलब उतनी स्पेस बनाता है, बाकी हमारे लिए कोई फर्क पड़ा कि हमको सेम कोड लिखना है, सेम एलिमेंट जाने हैं, क्लियर। बट इंटरनली क्या हो गया, वहां पे उतनी जगह बनी, होपफुली क्लियर, उतना टाइम बचता है, बट कभी कभी वेस्टेज भी है वो। अगर समझिए आपको 13 एलिमेंट डालने हैं, 13 अननेसेसरी 7 एलिमेंट की स्पेस चली गई, अगर मेरा कैपेसिटी कितना 20 हो जाता है, क्या जरूरत थी? सो प्रोस एंड कॉन्स दोनों है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट से चलना है। आपको कोई पीटर पूछा गया अरेली यूज करोगे वेक्टर, तो आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए, आप कैसा सेल्स मतलब कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो रिक्वायरमेंट कभी हो नहीं सकती कि एप्लीकेशन स्लो चलनी चाहिए तो मैं वेक्टर यूज करूंगा ऑब्वियसली, बट थ्रेड सेफ्टीनेस है क्या है वो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। एलिमेंट जब 21वां एलिमेंट डालोगे बाय डिफॉल्ट तो कितनी कैपेसिटी प्रिंट करेगा, 100% ऑफ 20 20 कितना, 20 का 100% कितना होता है, और 20 मतलब 40 क्लियर, 40 का 80, बट ये भी 100% ऑफ चेंज कर सकते हैं, उसको टेक्निकल टर्म है लोड फैक्टर, क्या है लोड फैक्टर, कभी ढूंढेंगे आप लोड फैक्टर एक मैथमेटिक्स में कुछ तो ढूंढ लीजिएगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग टू पैरामीटर्स, वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर, और वहां पे दो पैरामीटर अगर आप छोड़ देते हो दो और तीन तो दो क्या होगी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी, बट जब दो रीच हो जाएगा तब क्या बन जाएगी 5, इज दैट क्लियर, और जब छठवां एलिमेंट डालोगे कितनी होगी 8, नाइन्थ एलिमेंट जब डालेंगे 11, फिर से ठीक है, समझ गए होगे आप। देखिए To iterate legacy classes in Java, there was a concept called enumerator, क्या है enumerator, सही बोल रहा हूँ मैं, enumerator की enumeration है, देखो बुक में एक बार क्या है,
तो इन्यूमरेटर क्या है? इन्यूमरेटर ठीक है, क्या था पहले लीगेसी क्लासेस के लिए? इन्यूमरेशन। ये इटरेटर जैसा ही है। ये कैसा है? इटरेटर के बारे में आपको फीचर्स आ गए होंगे। इटरेटर किस लिए यूज होता है? इटरेट करने के लिए। उसमें तीन मेथड थी, रिवाइज होना चाहिए, एज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। क्या रिटर्न टाइप है? पॉइंट। गुड। इन्यूमरेशन यहां भी ऐसे कुछ तो होगा। इसके अंदर दो मेथड है, सिर्फ दो मेथड। एक है हैज मोर एलिमेंट्स। ये यूज नहीं होता है बट इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, आपको पता चाहिए। हैज मोर एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट। होपफुली आप बुक पढ़ के भी आ रहे हो ताकि इजी जाए, आपके लिए फायदा है। ये सिर्फ लीगेसी क्लासेस। करेक्ट। फिर लिखिए इन्यूमरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज रीड ओनली कलेक्शन। इन्यूमरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड ओनली कलेक्शन। इन्यूमरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड ओनली कलेक्शन। क्यों बोलते हो? क्या इसलिए इसको क्या बोलते थे? समझे? इन्यूमरेशन। तो अरे लिस्ट को अगर इसे इटरेट करने जाओगे, किसको? अरे लिस्ट को तो होगी क्या? नहीं। ये किसके लिए है? सिर्फ बट इटरेटर सबके लिए। पहले इटरेटर बनाया गया है इन्यूमरेशन, समझे? तो तब लोगों को उनको पता नहीं था इतना, पर जब इटरेटर बनाया गया तो सब चीजों को अप्लाई कर सकते बाद में, है ना? होपफुली क्लियर। तो कैन वेक्टर बी इटरेटेड बाय यूजिंग इटरेटर? यस यस। इटरेटर कब आया? बाद में। पहले क्या आया? इन्यूमरेशन। क्लियर? वेक्टर सबको लगा, इटरेटर सबको लगा सकते हो, बट इन्यूमरेशन सिर्फ लीगेसी क्लासेस। एक ही लीगेसी क्लास अभी तक हम देख। होपफुली क्लियर। डिफरेंस बिटवीन इटरेटर इन्यूमरेशन बता सकोगे? पहले तो मेथड का बताना है। फीचर्स, फीचर्स क्या इसमें? रिमूव का नहीं उसमें है बस, बाकी सब सेम। व्हाट मे बी द रिटर्न टाइप ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट का रिटर्न टाइप क्या था इटरेटर में? ऑब्जेक्ट। तो वो देखो लीगेसी को देख के बनाया गया, लीगेसी क्लासेस को देख के बनाया गया, तो वैसे ही कुछ ना कुछ रहेगा। क्लियर? देन आगे बढ़ सकते हैं। देन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज सेम एज दैट ऑफ अर्लिस्ट। एक्सेप्ट इट्स इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। एक्सेप्ट इट्स इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर एंड सम ऑफ द एक्स्ट्रा मेथड्स। एंड सम ऑफ द एक्स्ट्रा मेथड्स। इन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स it has nodes. One node points to another node. Due to this internal structure,
and due to this internal data structure if we remove elements in between frequently, if we remove elements in between frequently, still performance will be good. मैं इसका explanation दूंगा, थोड़ा सा लिख लिया हमने, काफी है. Below are the methods. लिखी इतनी methods. Below are the methods which are extra and introduced in 1.5 and introduced in 1.5. लिखिए. फिर मैं मेथड के मीनिंग भी बता रहा हूं. देखिए, पोल शॉर्टकट में लिखेंगे. पोल मतलब रिमूव्स हेड. ठीक है, क्या हो पाओगे बताओ. फर्स्ट एलिमेंट हटा देगा, सही है? नहीं है. अभी सोचिए, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे, इमेजिन हो रहा है. एल डॉट एड से बहुत सारे की है. एल डॉट रिमूव क्या भेजना पड़ता है? रिमूव मेथड किया कहां, किसकी है? इटरेटर की है. इधर पे एल डॉट कर रहे हैं. हाँ, फिल्टर क्लियर. एल डॉट क्लियर से रिलीज क्लियर होती है, वो भी है. तो देखिए, आप जो पढ़ते हो, होमवर्क में बोला गया था इटरेटर की रिमूव पढ़ी, बोला रिटर्न टाइप, बस उतना ही पढ़ गया आगे. तो थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, क्या रिलीज में भी रिमूव मेथड है या नहीं. देखिए, अरे लिस्ट के अंदर भी रिमूव है, इटरेटर के अंदर भी. दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या सोचते हो? पीछे के आंसर देने हैं मुझे, बताओ. दो जगह है, मैंने क्लू दे दिया. व्हाट यू थिंक? हाँ, गो. जैसे किसमें इंडेक्स होगा, अरेलिस्ट वाले रिमूव में, इटरेटर वाले रिमूव में? करेक्ट. अरेलिस्ट की जो रिमूव है उसमें क्या भेजना पड़ता है? क्यों? कौन से नंबर का एलिमेंट हटा? इटरेटर वाले रिमूव को जरूरत नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक इंडेक्स है, जहां है पॉइंटर वहां रिमूव करते हैं, खत्म. समझे? तो अभी एक असाइनमेंट और बढ़ गया, अरेलिस्ट के अंदर के रिमूव का रिटर्न टाइप ढूंढना होगा. वाइड खुद के मन से बोलेंगे अगर देखा नहीं. जिन्होंने देखा वो सही है. देखा क्या आपने? लग रहा है देखिए एक बार, मजा आएगा. देखो, जब तक नहीं देखते हैं तब तक भरोसा करना. ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. देखो, आप इंडेक्स डाल रहे हो तो कौन सा रिमूव किया बताना चाहिए ना. हो सकता है वाइड भी हो सकता, नहीं बताना चाहता हो. बुलियन हुआ नहीं हुआ दो चीजें बता सकता है. देखो, सारी पॉसिबिलिटी है. Void, नहीं बताना चाहता हूं. बुलियन हुआ नहीं हुआ, बट होना तो है, रिमूव खुद ही बोल रहे हो. पर ऑब्जेक्ट में तो हो सकता है, किसको रिमूव किया बताएगा? आप इंडेक्स डाल रहे हो ना. रिमूव 5 मतलब पांचवा एलिमेंट रिमूव, किसको रिमूव किया वो बता सकता है ना. क्यों देगा? पॉसिबिलिटी तो बहुत है. एग्जैक्ट क्या देता वो देखना होगा हमें.
कैन बी कंसिडर्ड एज होमवर्क, ठीक है। हाँ चलो अपन के थे इधर क्या देख रहे थे, बोल क्या था ये, रिमूव हेड। हाँ तो रिलीज का रिमूव हेड से करता है क्या, नहीं बताना पड़ता है, पहला पांचवा छठवा बॉटम टेल कौन सा, ठीक है क्लियर। टेल मतलब लास्ट, अपने आप ऐड कहा होता है अर्लिश में, नीचे से ठीक है। इंटर्न पूछा गया अर्लिश में बीच में ही एलिमेंट डालना है, अब क्या करोगे, नहीं पर उसने अब लिख लीजिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है अर्लिश में डालना है, आप बोलोगे लिख लीजिए थोड़ा देख। सो देयर इज अ मेथड, इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कौन सी मेथड है, इसमें इंडेक्स डालना है और यहाँ पे एलिमेंट डालना है, पढ़ाई करोगे तो आएगा नहीं है, सही है। तो मैंने चार मेथड बताई, तो उतनी चार ही है क्या, और भी होंगी, यू मस्ट एक्सप्लोर इट। वो क्वेश्चन वैली रहनी है, पूछने वाला नहीं पूछ सकता क्या क्या बोले बीच में डालना है, सही है। और वो मौका भी नहीं देगा, बोलेगा ऐड मेथड से लास्ट में होता है, बताओ बीच में कैसे डालते हैं, समझे। सो यू मस्ट नो इट। सो एनीवे पोल हो गया, अब क्या था, पिक, पिक रिट्राइव्स एन एलिमेंट, बट डज नॉट रिमूव, बट डज नॉट रिमूव। गेट मेथड जैसा काम कर रहा है, एट हेड, हेड लिखिए, हेड किसको रिट्राइव करता है, हेड, हेड मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो समझे कि नहीं। रिट्राइव, रिट्राइव मतलब प्रिंट करना, जैसा गेट करता है ना वैसे, बट रिमूव करता है क्या, ठीक है। देन ऑफर, इट्स एडेड एज अ टेल, इट्स एडेड एज अ टेल मतलब लास्ट में अटैच कर देगा। होमवर्क वहां पे पुश ढूंढोगे मिल जाए, क्या होता होगा, लास्ट एलिमेंट, मैं भी देख रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, स्टैक नहीं है, ठीक है। सो एनीवे ढूंढ सकते हो ना क्या है, मीनिंग लिखा होगा मेथड के ऊपर, पढ़ लेंगे हम। एनीवे अब देखिए लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट टेंशन नहीं लेना, जो आप सी सी प्लस में जिनको पता है वहां बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था, यहाँ आपके बिहाफ पे वो कोड जावा ने लिख दिया, यहाँ बहुत सिंपल लिंक लिस्ट, एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, एल डॉट एड, चलो हो जाएगी एड होना, आपको नहीं सोचना है कि कितने नोड बने क्या बने, अपने आप नोड बनते हैं, अपने आप सब होता है, ठीक है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर की जब बात कर रहा था मैं, तो वो ऐसा था, राइट, ये इसको पॉइंट करते रहता है, तो गलत किया था, ये किसका एड्रेस है, सेकंड के पास पहले का एड्रेस, पहले का एड्रेस सेकंड के पास है और सेकंड का एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे अर्लीश भी बना दो, सही है ना, सही है कि नहीं, ठीक है। ये अर्लीश थी, इसमें कुछ था क्या वैसा, नहीं था, डिफरेंस बताइए, मैं बोलता हूं अगर फ्रीक्वेंटली एडिशन डिलीशन अगर है एलिमेंट्स का तो लिंक लिस्ट फास्टर है, जस्टिफाई करना है, ठीक है, कीजिए जस्टिफाई, क्वेश्चन समझ में आया कि लिंक लिस्ट इज फास्टर देन, व्हाई दैट इज सेड, एंड अगेन इन विच केस, फ्रीक्वेंटली बार बार हटा रहे हो डाल रहे हो तो क्या है, फास्टर है, क्यों, हाँ हाँ हाँ, लिंक्लिस्ट ये अर्लिश क्यों नहीं है, उमेश भाई जी बताइए आप, इंडेक्स की वजह, हाँ इसमें इंडेक्स नहीं है, ऐसा कब बोला मैंने, इंडेक्स सेट में नहीं होता है, बाकी लिस्ट में होता नहीं होता है, दोनों लिस्ट के नीचे आ रहे हैं, फिर क्यों इंडेक्स नहीं रहेगा, इंडेक्स रहेगा,
करेक्ट। अगर इसमें 500 एलिमेंट है और आपने फोर्थ एलिमेंट हटा दिया, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? कुछ तो टाइम जाएगा इसमें, समझ गए होंगे आप। एक ही नोड को इधर उधर करना अब क्लियर है, पीछे समझ में आया। पर मुझे टेल में ही ऐड करना है, टेल मतलब लास्ट में ही ऐड करना है, तो कौन फास्ट रहेगा? क्यों? क्योंकि उसमें एड्रेस एड्रेस वाला फंडा है क्या? लास्ट वाला एलिमेंट हटाना है तो भी रिलीज की फास्ट, बट बीच में अगर कुछ करना है तो आपके आगे तीन ऑप्शन है, अरेलिस्ट, लिंक लिस्ट एंड। तो आप समझ गए होंगे कौन सा कब यूज करना है, कोई बेकार अच्छा कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर। बिजनेस सिनेरियो देखेंगे जहां पे लगता है कि बहुत बार रिमो एड वेड हो रहा है, वहां लिंक लिस्ट यूज करेंगे। क्लियर? कोई समस्या नहीं है? देन नहीं समझा क्या? सिंगल, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट भी है बट दिस इज सिंगल, ठीक है। हाँ दोनों है, आया अभी 1.7, 1.8, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं पक्का? सर्कुलर बॉन्डिंग होता है ना, इसमें क्यों हुआ सर्कुलर? सर्कुलर के लिए भी है, क्यों क्यों है क्या उसके लिए? Stack is stack. Stack is a class name. Stack is a class name, which is subclass of vector. Which is subclass of vector. बस उतना लिखना है, बाद में घर में अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ेंगे स्टैक के बारे में थोड़ा, कल क्वेश्चन पूछने। ये बनाओ, ये तो आपने बनाया हुआ है, मैं दोबारा बना रहा हूं। क्या देख चुके हमें तीन में से? एसेट। बेसिक क्या था एसेट का? सेट मतलब क्या था? ऑर्डर और डुप्लीकेट अलाउड। ओ ऐसा नहीं है, सेट की दो फीचर्स है, अनऑर्डर्ड एंड डुप्लीकेट नॉट अलाउड। अगर डाल दिया डुप्लीकेट तो क्या हो जाएगा? एरर आएगा? नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। पहला दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा? पहला रहेगा, दूसरों को इग्नोर करेगा, ठीक है। हैसेट हम देख चुके, अब लिंक्ड हैसेट लिखिए। इट मेंटेन्स एन ऑर्डर, इट मेंटेन्स एन ऑर्डर। ठीक है, अभी कभी कभी क्या है कि आपको ऐसा बोला गया नहीं डुप्लीकेट चाहिए नहीं, और जो ऑर्डर में एलिमेंट डाले उसी ऑर्डर में चाहिए। तो ये ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग है क्या? नहीं, ऑर्डर अलग बात हो गई, सॉर्ट इस टर्म्स में तो भी आप सोच रहे हो कि ऑर्डर मतलब सॉर्टिंग, तो गलत है। इस केस में ऑर्डर मतलब क्या है? जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट डालते हो उसी ऑर्डर में निकलने चाहिए। क्लियर? सही है। तो हैसेट तो बोलता था कि नहीं करेंगे, ठीक है, बट लिंक हैसेट क्या बोलता है? उसके ऑर्डर में करेंगे। फिर लिखिए, इफ वी वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स ऑफ अरे लिस्ट, इफ वी वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स ऑफ अरे लिस्ट, कैसे रिमूव करेंगे बताइए पूनिया जी। आप कोई मेथड होगी रिमूव डुप्लीकेट?
किसके अंदर? अर्लिश के अंदर? नहीं ऐसा नहीं है, बताओ। सही है, लेकर किसी में भी ये तीनों में से डाल दोगे अगर आप अर्लिश को तो डुप्लीकेट फट जाएगा, बट उसमें भी ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि डाल दिया और हट गए, क्योंकि सॉरी जब हम ऐसा लिखते हैं अरेलीज एल इक्वल टू न्यू अरेलीज और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट डाले डुप्लीकेट, इसको कोई दिक्कत ही नहीं होती है कितने भी डुप्लीकेट डालो आप, राइट? एल डॉट एड ए ए और बी, तो टोटल साइज कितना आएगा अरेलीज का? 3 या 2 अलाउड है। अब इसके रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट उन्होंने बोला है कि देखिए ये जो हैश सेट है, हैश सेट HS इक्वल टू, और इसके अंदर अगर आप AL भेज देते हो तो क्या हो जाते हैं? क्या होते हैं? डुप्लीकेट रिमूव। किसके अंदर के? समझ गए? तो फिर यहां पे अगर मैं करता हूं SOP AL तो कितना आएगा? अभी SOP AL डॉट साइज हाउ मच इट वुड बी? ऐसा लगता है आपको, बट ऐसा नहीं है। SOP AL करोगे तो अभी भी 3 एलिमेंट डिप्रिंट करेगा, कितने? साइज कितना आएगा अभी भी? आंसर इज 3 एंड हियर a, a, b, इधर समझ में आया? फिर क्या हुआ? डुप्लीकेट तो रिमूव ही नहीं हुए, फिर करेक्ट वो कहां आए? अगर आप SOP HS करोगे तो वो डुप्लीकेट रिमूव हुए रहेंगे। समझ में आया? एक्चुअली बोलते समय कैसा बोला? अरिलिस्ट के रिमूव हो गए, पर रिमूव अरिलिस्ट के नहीं हुए, जिसके हुए है एसेट के भी नहीं हुए, नया एसेट बना, ठीक है? तो इस टाइप से है, लिंक एसेट डालोगे तो वही ऑर्डर रहेगा ऑब्वियसली, बट यहां पे आपका नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान? डुप्लीकेट तो हट रहा है, ऑर्डर हट रहा है। समझ में आया? पहले ऐसा लिखा था ए एप्पल, एप्पल बॉल कैट, हो सकता है हमने कुछ तो ऐसे किया है, ये अरेलीज थी, आपको बोला कि डुप्लीकेट हटाइए, तो आपने क्या किया? इसको कहां डाला? हैश सेट। उस बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता कि वही रहे एप्पल बॉल और कैट, रहेगी क्या? नहीं। क्या हो जाएगा वो? कभी बॉल ऊपर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ऑल देम कैट एंड देम मे बी एप्पल, होपफुली क्लियर। तो किसी को अगर चाहिए ऐसा तो उसका काम नहीं जमेगा, बट जिसको नहीं चाहिए उसके तो सही है। समझ में आया है? पक्का? इस टाइप से है। फिर लिखिए ट्री सेट, क्या करता होगा ट्री सेट? इधर क्या करता होगा? सॉर्टिंग किसकी? ऑर्डर, तो ऑर्डर में तो सॉर्टिंग है क्या? लिंक्ड एसेट क्या करता था? ये भी ऑर्डर में ट्रिक करेगा, दो दो बनाएंगे क्या? और डुप्लीकेट हो गया वो, इस पे ट्री मतलब सॉर्टिंग क्या है? जहां जहां ट्री वर्ड दिखते जाएगा क्या बोलना है? सॉर्टिंग। तो अगर आप ट्री सेट में एलिमेंट्स डालते हो अपने आप क्या हो जाते हैं? समझ में आया? तो अगर आपने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको बेटर क्या था? किसमें डालना चाहिए? एप्पल बॉल और कैट, इसमें क्या होगा? डुप्लीकेट भी हट जाएंगे और ऑर्डर नहीं सॉर्टिंग भी हो जाएगी। समझ में आया? मतलब ऐसा भी रहा कैट एप्पल, एप्पल ऐसा अगर है तो भी क्या है? एप्पल ऊपर चले जाएगा, और ये थर्ड नंबर पे बॉल, एप्पल बॉल एट द, समझ गए? ट्री सेट में डालते, लिंक्ड हैश सेट में डालो तो क्या होगा? डुप्लीकेट हटेंगे बट ऑर्डर वही रहेगा, कैट एप्पल और वो। समझ में आया? अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तीनों अपना अपना काम करें, पर तीनों का बेसिक क्या है? डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन लिंक्ड हैश सेट, हैश सेट। ये इतना भी सिंपल है, इंटरव्यू में जाओगे आप इतना पढ़ के तो उतने से काम नहीं बनता, फिर पूछेगा
कि कैपिटल एप्पल और स्मॉल एप्पल कैसे सॉर्ट करेगा? हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ढूंढना हो डाल के देखोगे एप्पल को और फिर प्रिंट करोगे, जो भी है जो प्रिंट हुआ वो याद रखना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल में देखेंगे या आप देखेंगे, जो भी है जिसको जैसे टाइम मिलता है वैसे करेंगे हम। सही है नहीं है? करना क्या है? ट्री से टीएस इक्वल टू न्यू ट्री से टीएस डॉट एप्पल डबल कोट में ए कैपिटल, फिर से टीएस डॉट एड स्मॉल है, डुप्लीकेट तो नहीं है ये, राइट? कैपिटल स्मॉल वो अपने आप नहीं करता है सर, ठीक है? तो कौन ऊपर आएगा? फिर आपको पता है अगर 1.4 में क्या होता था, कुछ भी डाल सकते हो, जेनेरिक्स यूज नहीं किया, कुछ भी डाल सकते हो, तो न्यूमरिक भी डाल सकते हो ना। तो फिर इंटरव्यू पूछते हैं स्मॉल कैपिटल और न्यूमरिक बताओ कैसे सॉर्टिंग होगी, दैट में भी तो क्वेश्चन, वो भी ढूंढना होगा घर में। फिर क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा है? फिर जेनेरिक्स अगर आपने ऐसा लिखा, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, probability take interest, string ts equal to new reset string, क्या क्या डाल सकते हो? सब ts dot add जवाब है, किन्हें डाल दिया समझ लो। फिर यहां पे ऐसे ऐड करते क्या करते हैं, और उन्होंने क्या मांगा होगा ऐड में थोड़ा बताइए तो, ऑब्जेक्ट क्या मांगा? मैं फिर से बोल रहा हूं सेम एज अर्लीश बोल रहा हूं मैं, मतलब वैसे ही फीचर्स होंगे ना। ts dot add क्या होगा? ऑब्जेक्ट। नल डाल सकेंगे नहीं डाल सकेंगे? डाल सकेंगे, नल भी तो होगा ऑब्जेक्ट। अब फिर क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन, नल ऊपर आएगा या नीचे, दैट विल बी द क्वेश्चन। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सॉर्टिंग तो करनी है, अब नल को ज्यादा प्रायोरिटी देगा कम प्रायोरिटी देगा, ये भी आंसर आपको घर में मिल जाएगा। बताओ कि ज्यादा देगा कम, मतलब नल ऊपर आएगा या नीचे आएगा या बीच में आएगा, ऐसा क्यों सोचते हो? ऊपर कहीं नहीं आएगा, ये नल आएगा, ठीक है? रन टाइम पे क्या हो जाता है, बोलता है वी आर नॉट एबल टू सॉर्ट। सही बात है, सही है नहीं है? एक नल डालोगे दे देगा, बट सॉरी एक नल डालोगे तो सॉर्ट ही नहीं करना, सही है? सिर्फ क्या किया, एचएस इक्वल टू न्यू है ये कर दिया, नहीं एक ही नल, मतलब ये दोनों में सॉर्टिंग नहीं हो सकती ना, एक्सेप्शन दे देगा टाइप कास्टिंग का, बोलेगा ये जाओ भाई की नहीं कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? तो नॉलेज एक अलग चीज है, सन माइक्रोसिस्टम कुछ और कहता है, आप उसको सुन के अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कुछ और करते हो, इंटरव्यू आपको कुछ और पूछता है, तो आपको हर जगह से तैयार रहना होगा। सही है कि नहीं है? क्यों करोगे जब ये चलता ही नहीं है फिर भी पूछ रहे? देखा जाए तो क्या इसकी जरूरत है कि आप इनर डाल नहीं तो पता है, और डाल भी दिया प्रोजेक्ट बनाते समय कंपनी में तो एरर आएगा तो हटा दोगे ना, फिर भी इंटरव्यू पूछा जाएगा, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड रेडी फॉर दैट। क्लियर है? इधर समझ में आया? पक्का करोगे? फिर भी ये था ट्री सेट, टाइम हो गया क्या? बोर हो रहा है सेशन, पढ़ते हैं फिर। फिर था मैथ, याद रखोगे क्या क्या पढ़ा अभी तक, अरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट, छह चीजें आपके पास है, सारे छह के छह में भी ऐड मेथड है, छह में भी गेट है, पक्का लिखिए हैश सेट डज नॉट हैव गेट मेथड, बताओ क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? पीछे के पन्ने क्यों देख रहे हो? लिखाई नहीं पहले, अभी लिख, क्यों नहीं होगी? गेट मेथड में क्या डालते हैं? ऑब्जेक्ट डालते हैं, हाँ इंडेक्स डालते हैं, राइट? एसेट का इंडेक्स हो पाएगा? अनऑर्डर्ड है, फिर डाल गेट मेथड ही नहीं थी उन्होंने, बोला कि इंडेक्स नहीं तो कहाँ से डाल? अब समझ गए इधर क्लियर है, अनऑर्डर्ड है ना वो, खुद ही बोला हमने कि हमारे पास इंडेक्स नहीं है, क्लियर? गेट मेथड होती है क्या? फिर से पढ़ाई की जरूरत है? सिर्फ ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी बोला चलेगा क्या? ऐड मेथड है वो सब जगह, ठीक है? गेट हो गया,
ट्री सेट भी आपको पता चला, एस सेट पता चला, लिंक है। Which will be faster, has set or unleashed? Are you into? क्योंकि index maintain होता है, पर has set में index नहीं होता, इसलिए slow होगा ऐसा लगता है। आपको बोला गया कि ये पांच कागज लो और उनके साइज के हिसाब से उनको रखो, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा, दिमाग लगाना पड़ेगा। पर बोला कैसे भी रखो तो क्या फास्ट होगा? आप समझ गए हो क्या? हैसेट फास्ट है या अर्लीस्ट? हैसेट। अभी जो अर्लीस्ट बोले वो कागज भी नहीं समझ पाया, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, सही है नहीं है? तो फास्टर इज हैसेट, क्योंकि उसमें टेंशन नहीं लेना है ना, किधर भी रख दो। इंडेक्स मेंटेन नहीं करना है, गेट मेथड भी नहीं किया, समझ गए? लिख लिया अपने आप 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं हो रहा आज, बोलो जल्दी, ज्यादा हो गया? हाँ, इतना कोई तकलीफ नहीं लेता एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री का, जैसे आप ऐसा लिखते हैं ईट इक्वल टू 10 लिख के छोड़ देते, ये भी नहीं सोचते कि डिफॉल्ट नहीं है। आप समझे? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे डिफॉल्ट यूज करो, जस्ट आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली हमने सोचना चाहिए कि यार मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से यूज करना चाहिए। बट स्टिल जो डेवलपर्स होते हैं, एनीवे आई एम आल्सो डेवलपर, बट वी डोंट थिंक मच। व्हाट वी डू, मल्टीपल एलिमेंट डालने हैं ना, इसमें डाल देंगे खत्म, जा रहे ना उसमें, आने वाला देगा ही डुप्लीकेट, तो कहां से उसमें डुप्लीकेट जाएगा? इतना नहीं सोचता है, दैट यू नो इट, बट फिर भी आप भी यूज नहीं करोगे। हो सकता है ये इंटरव्यू के लिए सारे प्रिपेयर करते, बाकी मैं सही बात बता रहा हूं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पेज है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज आप दिखा रहे हो, व्हाट यू थिंक आउट ऑफ ऑल सिक्स व्हाट यू शुड यूज? तो समझ में आया, साइन अप पेज है उसमें कंट्रीज दिखा रहे हो, व्हाट यू शुड यूज? सारे छह में से ढूंढिए क्या करोगे, पूरा सोचिए थोड़ा, अरे लिस्ट फिर वेक्टर फिर लिंक लिस्ट फिर हैसेट फिर ट्री सेट फिर मैप की तरफ चले गए, छह पढ़ा है ट्री सेट लिंक हैसेट और हैसेट करेक्ट ट्री सेट। सोचो कभी कंट्रीज हटाते हो कभी, आप कभी आप हटाते हो क्या? दिखने की होती है तो हटाना और डालना है क्या उसमें? देखा है ना जीमेल में रजिस्ट्रेशन पेज कभी नहीं हटाते, तो पहली चीज है कि रिमूवल तो है नहीं। दूसरी चीज सॉर्टिंग होनी चाहिए फंक्शनली, नहीं की तो आपकी वाली पर होनी चाहिए। डुप्लीकेट कंट्रीज होती है क्या उसमें कभी? ये तीनों फैक्टर किसमें मैच होते हैं? ट्री सेट, तो क्या यूज करेंगे? बट रिलीज करते हो तो आपको कोई मना नहीं कर रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इनका क्वेश्चन क्या था कि मैंने जितने कोड अब तक देखे उसमें मैक्सिमम अर्लिस्ट ही देखती हूँ, तो ऐसा क्यों? क्लियर, वो आपके देखने का पॉइंट नहीं है, वो लिखने वाले का पॉइंट, सही है ना? ठीक है, बढ़ जाते आगे थोड़ा सा, दो जो चीजें बची है, हैश मैप तो हो ही गया अपना करेक्ट, याद रख पाओगे इतना कुछ? मेरे को टेंशन होता है, करा दिया जाए, बोलो बोलो बोर हो रहा होगा तो बंद कर दो। हाँ मुझे वैसे लग रहा है छह हो गए। वहां मैप के नीचे तीन चीजें हैं, हैश मैप, हैश टेबल एंड ट्री मैप, ठीक है? तो पहले हैश मैप की प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर कल आगे का पढ़ाऊंगा तो मजा भी आएगा आपको, इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज फिर बोर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बंद कर दूंगा।